हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई सागर बंसल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले चैप्टर्स कवर कर चुके हैं क्लास 9, 10, 11 के। तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स। राइट, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट। सो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट इस वीडियो के साथ, और सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, सभी बच्चों को बता देंगे कि सर ने स्टार्ट कर दिया अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट नंबर फर्स्ट। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सभी बच्चों को शेयर कर देंगे ताकि आने वाले पार्ट्स आप लोगों को ईजिली मिल सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। राइट, तो जल्दी से बिना टाइम खराब करें हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट। चलिए जल्दी देखिए, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट की हेल्प से आप मैग्नेट बना रहे हैं। कैसी मैग्नेट, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं बनाती है, तो इसलिए हम करंट की हेल्प से क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स बनाएंगे। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। राइट, मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही आता है, डिफाइन मैग्नेट। व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को या उसके अलॉयज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट। ठीक है, चुंबक बोलते हैं हिंदी में, दैट इज कॉल्ड चुंबक। एक बार मैग्नेट क्या होते हैं, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार होती है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, जो कि अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल एंड इट्स कोबाल्ट। राइट, एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं स्टूडेंट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप लोग जानते हैं एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ये अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि एक मैग्नेट के दो ही पोल क्यों होते हैं, ईस्ट और वेस्ट पोल क्यों नहीं होते। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक पोल्स की क्या, कि जो लाइक पोल्स होते हैं सेम, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद टॉपिक आता है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट वो एरिया होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, या आप बोल सकते हैं कि आयरन और उसके अलॉयज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किससे, मैग्नेट से, उसे मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। तो मैग्नेट के अंदर से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपके हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। These are the imaginary lines which can be originate from the north pole and enter into south pole. Always from where? From outside the magnet, right? Now, what is magnetic compass? तो magnetic compass एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका घूमता है, जिसका नॉर्थ पोल आपका घूमता है। अगर वो क्या फील करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील करता है। दो पोल होते हैं उसके भी, नॉर्थ और साउथ, तो हमेशा जो नॉर्थ पोल होता है उसका भी, वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि आप लोग आगे जाके पढ़ोगे जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है, जो उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, यानी कि जो निडल है वो भी एक तरीके का क्या है, मैग्नेट ही है। तो जब मैग्नेट दूसरे से अट्रैक्ट हो गया, रिपेल होगी, तो उसका जो पॉइंट है वो क्या करेगा, मूव करेगा। और आप लोग ये याद रखेंगे कि हमेशा नॉर्थ पोल ही मूव करता है। वर्किंग पोल कौन सा होता है स्टूडेंट, नॉर्थ पोल। साउथ पोल सिर्फ सपोर्टिंग के लिए होता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट 1 और 2 नंबर के लिए। नाउ स्टूडेंट, एज यू सी इन द डायग्राम, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट नजर आ रही है जिसके दो पोल्स हैं स्टूडेंट, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, दो पोल हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही है। तो स्टूडेंट आपको भी ऐसे ही बनाना होगा, पेपर में आता है 1 नंबर में। इसके बाद मेन टॉपिक स्टूडेंट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। स्टूडेंट पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना, मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी नाम से मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आपकी जो थ्योरी है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब पास होती हैं पोल्स पे और दूर होती हैं आपके अदर प्लेसेस पे। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो नियर टू पोल ज़्यादा होती है, नियर टू पोल ज़्यादा होती है, और जब हम दूर चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। थर्ड वाला दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, अगर हम मैग्नेटिक कंपास से देखेंगे तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाता है, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5 जनों को जरूर भेज देना स्टूडेंट, ताकि ये इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाएँ और आसानी से आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आएँ और सभी बच्चों तक पहुँच पाएँ और आपको आने वाले पार्ट्स ईजिली मिलते रहें, राइट स्टूडेंट। सो हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल। याद रहे सागर सर हमेशा आपके साथ हैं।